उधर बेमित्र हत्याकांड के मामले की बात कर लेते हैं। इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक के बेटे की हत्या कर दी गई थी। दरअसल आपको बता दें कि ये जब हत्याकांड हुआ था तब ये विधायक नहीं थे। बाद में इस पूरे मामले के बाद भुवनेश्वर साहू जिसकी हत्या हुई थी, उनके पिता ईश्वर साहू जो हैं, बाद में उन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का, बीजेपी ने टिकट दिया और उनकी जीत हुई। तो इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई की एफआईआर में 12 प्रमुख आरोपियों के नाम हैं। 22 साल के भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई थी और भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को बाद में बीजेपी ने टिकट दिया और वो यहां से साझा से जीत गए थे और विधायक बने। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, कांग्रेस ने माफ कीजिएगा, बीजेपी ने इस मामले में कहा था कि मामले की जांच हम सीबीआई से कराएंगे। ईश्वर साहू जो हैं, उन्होंने ये मामला विधानसभा में भी रखा था और उन्होंने कहा था कि गृहमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया है और अब सीबीआई के ऊपर से जो पहले बैन लगा हुआ था, पहले राज्य सरकार ने बैन हटाया, अब जाँच शुरू कर दी गई है, एफआईआर भी दर्ज हो गई है, आगे की जाँच अब शुरू होगी और इस मामले में 12 प्रमुख आरोपियों के नाम है, जानकारी दीजिए। जी देखिए, 12 आरोपी अभी भी जेल में निरुद्ध हैं, बंद हैं और कल ही इसको लेकर के सीबीआई ने एफआईआर लॉन्च की है और तत्काल आज जो एसपी रैंक के एक अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर रैंक के 3 टोटल अधिकारी हैं, इंडिगो की निमित जो फ्लाइट है उससे रायपुर पहुंचे हैं और उसके बाद सीधा वहां पर प्रशासनिक पुलिस हमले को अलर्ट किया गया है और जो पीड़ित परिवार है, जो शिकायत करता है, उसके साथ ही अन्य जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे भी टीम है वो मुलाकात कर सकती है। कुछ देर बाद ही बिरनपुर टीम है वो पहुंच जाएगी, वहां पुलिस के अधिकारी मौके पर भी मौजूद हैं और जानकारी ये भी है कि सीधा बिरनपुर जाएंगे, वहां पर प्रत्यक्षदर्शियों से मुलाकात करेंगे। इसमें कई पुलिस अधिकारियों की जो भूमिका है वो भी संदिग्ध पाई गई थी, कोर्ट ने भी ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए, तो जो जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं युगल, वही जानकारी हम आपको फिर से बता दें, रायपुर से यही बड़ी खबर है। युगल बता भी रहे हैं कि सीबीआई की टीम बिरनपुर के लिए रवाना हो गई है और बिरनपुर हिंसा की जांच के लिए टीम रवाना हुई है। भुवनेश्वर साहू की हत्या जो हुई थी इसी मामले में पूछताछ की जाएगी। इस मामले में जो प्रदेश की मौजूदा सरकार है, बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार, उसने सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। युगल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जानकारी भी दे रहे थे, यही जानकारी युगल हमको पहले भी बता भी रहे थे, तो इसी मामले में आगे और अपडेट उनसे लेते हैं। युगल, रवाना हो गई ये टीम, आप बता भी रहे थे, जानकारी आगे दीजिए। जी बिल्कुल पुनीत, देखिए अभी जो स्थानीय जो प्रशासन है उनसे बात हुई है तो टीम को अलर्ट किया गया है, पुलिस के जो अधिकारी है, थाना है, वहां भी जाकर के पूछताछ है वो कर सकते हैं और साथ ही साथ पहला ये है कि गांव पहुंचेंगे, जो सूचना मिली है वहां पर मीडिया कर्मियों का भी जमावड़ा है वो हो चुका है और यहाँ पर रवाना हो गया है। 12 आरोपी के जो नाम है वो दर्ज है और कल ही जो ईश्वर साहू जो विधायक है भुवनेश्वर साहू के पिता, उनसे जब हमने न्यूज 18 ने खास बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि जब तक दोषियों को सजा ना हो तो ये सीबीआई जांच भी काफी नहीं है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किस तरह से जब पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के दौरान उन्होंने गुहार लगाई थी लेकिन जांच नहीं हो सकता था पूरे मामले की, तो पूरे मामले की जांच अब सीबीआई अपने हाथों में ले लिया है और 5 साल बाद सीबीआई की एंट्री। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए युगल। पेंड्रा में वन विभाग ने भालू के शव को अपनी मां से मिला दिया, शावक को अपनी मां से मिलाया है। 2 दिनों की मशक्कत के बाद सफेद स्लॉथ शावक भालू अपनी मां से मिल पाया है। वन विभाग ने ट्रैप कैमरे की मदद से शावक को ढूंढ निकाला, मरवाही वन मंडल प्रशासन ने ये सफल रेस्क्यू किया और शावक को अपनी मां से मिलवा दिया। सफेद स्लॉथ भालू मरवाही के माहौरा गांव में सड़क के किनारे मिला था। देखिए ये तस्वीरें जो हैं, वैसे भालू का रंग क्या होता है हम सभी को मालूम है, लेकिन ये मरवाही के जंगलों में ऐसे पहली बार नहीं है ऐसे पहले भी नजर आ चुका है, जो भालू जो है सफ़ेद रंग का नज़र आया। स्लॉथ, इसे बियर कहा जाता है और इसे इसकी माँ से आखिरकार मिलवा दिया गया। जंगल के सड़क के किनारे ये आराम करता हुआ दिखा था, बिछड़ गया था माँ से, मिलवा दिया। टॉप 20 खबरें देख